स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी सीएचएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्याम जो है जो कि सो गुड विद वेपन्स, जो कि वेपन्स के साथ जब खड़ा होता है तो बहुत ही सही लगता है। कह रहे हैं फेल टू फाइंड, वो असफल रहा टू फाइंड द वर्ड, उन शब्दों को पाने में, कौन से शब्दों को, जिन शब्दों से टू टेल हिम, कि वह उनको बता सकता, दैट की एवरीथिंग, कि जो कुछ भी ही हैड डन, उसने किया है सो फॉर मतलब अब तक, ऑल द कम्प्रोमाइजेज, या फिर जितने भी उसने कम्प्रोमाइजेज जो किए हैं अपनी लाइफ में, ही हैड मेड, जो उसने किया है, हैड बीन, उसने ये सारी चीज़ें किया है फॉर लव, केवल और केवल प्रेम को पाने के लिए। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें, देखिए इसमें बहुत ही बेसिक सा, अगर देखिए कई बार ये होता है सेंटेंस में कि पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको सेंटेंस की मीनिंग समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ट्रिक से आप चाहे फिर भी सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हैं कि सेंटेंस हमारा राइट है या रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए आए हमारा सब्जेक्ट क्या है, श्याम। अब श्याम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सो गुड विद वेपन्स, ये अदर वर्ड है। देखिए हमारा क्या है, श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का अपना क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, और यहाँ देखिए फेल क्या है, ये वर्ब आई। तो देखिए फेल जो है ना, ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है फेल। ठीक, और हम सबको पता है कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब जो आती है वो या तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या तो आता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सब में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, डायरेक्ट क्या आई, मेन वर्ब। ठीक, अब एक चीज हमें ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की क्या लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अच्छा, जिनको नहीं पता वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे गो होता है क्या, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की जो गो का जो गोज हो जाता है उसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक, उसी तरह से जैसे हेल्प है, हेल्प ही, जैसे मान ली हो गया हेल्प, तो हेल्प होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे हेल्प का कर देंगे हेल्प्स, तो वर्ब में एस एस जो लग जाता है प्रेजेंट डिफिनिट में, उसी को बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया, मान ली ये हो गया फिफ्थ फॉर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट डिफिनिट अगर बनाना है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब में एसएस लगाना पड़ेगा, और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको मतलब सब्जेक्ट अगर आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एसएस फॉर्म लगाइए, अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब हम देख रहे हैं कि श्याम हमारा क्या है, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो श्याम हमारा क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें पता है या तो आना चाहिए था क्या, या तो आना चाहिए था यहाँ पर फेल्ड, अगर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो होना चाहिए था फेल्ड, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा फेल्स, लेकिन दो में से कोई एक बनेगा, लेकिन डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा नहीं सकते, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, या तो वर्ब की एस ई एस फॉर्म लगती है जिसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर दीजिए। और यहाँ यही प्रॉब्लम है, यहाँ फेल नहीं होगा, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाह रहे हैं तो फेल्स लिखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाह रहे हैं तो आप फेल्ड करिए। ठीक, लेकिन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा नहीं पाएंगे। अच्छा, आप ये कहें कौन सा फॉर्म, दोनों में से चॉइस क्या करें, क्योंकि देखिए सब हमारा जो सेंटेंस चल रहा है ये पास्ट को लेकर चल रहा है। देखिए यहाँ हैड डन आ गया, यहाँ पर भी हैड डन आ गया, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट से रिलेट करके चल रहा है, तो हमारी पहली चॉइस क्या होगी, हम फेल्ड लगा सकते हैं, बट चाहे तो हम प्रेजेंट डिफिनिट के भी सेंस में कर सकते हैं, जैसे वो बहुत ही अच्छा है इस समय के सेंस में अगर बोला होगा तो प्रेजेंट डिफिनिट में करेगा, अगर वो इस बात को जो बताने में असफल रहा कि उसने जो भी किया था अब वो पास्ट में चला गया, इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट के भी सेंस में जा सकता है और पास्ट डिफिनिट के भी सेंस में जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट जो भी आया है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं ही लगेगी। ठीक, बस यही प्रॉब्लम है कि याद रखिएगा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, या तो वर्ब की एस ई एस जिसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में एरर कहाँ आया है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आया है क्वेश्चन नंबर आपका बी में जो आया है यहाँ पे, तो यहाँ फेल नहीं होगा, या तो होगा यहाँ पे फेल्ड या तो फेल्स, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा।